Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. क्या बात है, सबसे पहले शब्बीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लिख लो डांस, मैं बता रही हूँ ये जो गाना किया ना अभी, ये इनका लिखा हुआ गाना, इनके लिए जोरदार तालियां। बैठिए शब्बीर जी। हेलो हेलो, कैसे हैं? 5 साल से कप्पू जब भी मैं इधर आती हूँ डांस पे एंट्री लेती हूँ, है कि नहीं? लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी, मैंने जितना भी डांस किया है शो में, वो सबका क्रेडिट मैं अर्चना जी को देना चाहूंगी। ये सिखाती हूँ तुम्हें? सिखाया नहीं है, ये क्या बैठी रहती है ना, सारा एक्स्ट्रा एफर्ट हम ही को लगाना पड़ता है बाबा। यार बड़े बड़े शायर लोग आए ले आज, बहुत अच्छा लगा। राकेश रोशन जी नहीं आए आज। वो कहाँ शायर है? वो थोड़ी ना शायर है। अरे बहुत बड़ी शायर है वो। ऐसे अभी आप लोग श्यामा रोशन करते हैं ना, उन्होंने तो खुद का ऋतिक रोशन किए लाए। भाई वाह वाह। सपना, तो ये फालतू बातें करने नाला सोपारा से आती है? नाला सोपारे का, मैं फ्रांस से भी आऊँ तो भी फालतू बातें ही करूंगी। फालतू बात में मजा आता है कि नहीं आता है? हाँ। बड़े बड़े शायर लोग, मैं शायरा अंदाज में होना चाहिए ना सर, हेलो हाय नहीं होना चाहिए। सपना नाला सोपारिया की तरफ से आपको आदाब। जनाब क्या लेंगे, चाय या काफिया? काफिया आपने, मैंने आप लोग के लिए बनाई थी मैं। हाय, अरे वाह, शायरों के राहुल रॉय आए हुए हैं, बहुत अच्छा। मैं इधर बैठ सकती हूँ मेरे को? थैंक यू। पहली बार कपिल शर्मा शो पे ब्लैक व्हाइट और कलर देखो आज। ऐसा करो ना, ऐसा, हाँ ऐसा लीजिए। ये अब आपको मेरी सारी बातें सुनाई देंगी। अर्चना जी आप एक बार बाल खोलो। नहीं, आप बाल खोलेंगे ना हम तीनों एक जैसे लगेंगे। नहीं, लेकिन बहुत हैंडसम है यार, शायरों में बहुत हैंडसम, इनके लिए ताली हो जाए। वेरी नाइस, थैंक यू। और सर कैसे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगा आप यहाँ शो पे आए जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा। दोनों सेम ही तो बात है ये। हाँ तो ये उनको समझाना। मैं बताती हूँ, सर ने खुद लिखा है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो। खैर लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग सर इधर नाला सोपारा में रहते हैं, हम लोग बहुत उधर टेंशन है। मतलब किसी के घर पे पानी है तो बर्तन नहीं है, किसी के घर पे बर्तन है तो पानी नहीं है, इसके बाद बर्तन और पानी है, उसका घर ही नहीं है। तो ये सब बातें इनको क्यों बता रही है तू? नहीं, ये लोग मुखड़ा सुनाते हैं ना, मैं इनको दुखड़ा सुना रही हूँ। लेकिन मैं सच्ची बोलती हूँ सर, मेरे जो चाचा जी हैं ना सर, उनकी शादी आप लोगों की वजह से हुई थी। कैसे? अभी आप लोग स्टेज पे जाके वो क्या मांगते, तवज्जो मांगते हैं ना, हाँ, वो स्टेज पर जाके उन्होंने रज्जो मांग ली थी। आज यूपी से लोग आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। अर्चना जी आज तो आप बहुत खुश होंगी ना? क्यों? क्योंकि आज पंजाब से कोई शायर नहीं आया। इनको हमेशा टेंशन लगी रहती है। अमरीश सर से कोई भी फ्लाइट उड़ती ना बॉम्बे के लिए फोन करके पूछती हो बैठे तो नहीं है कहीं। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं सर, बहुत अच्छा, सच्ची में बता रहे हैं आप तो सर। मेरे को जावेद साहब की याद आ गई आपको देख के, अजहर भाई ना जी। उदास की हो गई, ये कौन सा असली है? दिल दुखा दिया ये देखिए। नहीं मेरे को नहीं। क्या सर? ना मैं मामू हूँ ना चचा खालू, हाथ फिर थाम क्यों नहीं लेती? भाई सुन सुन के थक चुका हूँ मैं, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? क्या बात है सर, थैंक यू। आपके ना सर सिर्फ बाल सफेद है, बातें बहुत रंगीन है। और अच्छे सर आप लोग जैसे मोहब्बत पे लिखते हैं, प्यार पे लिखते हैं, तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है फैज जी, मैंने उसके लिए कुछ लिखा है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं बिल्कुल हाँ। तो अर्ज किया है कुत्ता कुत्ता, आगे बोल, आगे से भी कुत्ता पीछे से भी कुत्ता। वो यही डिजर्व करता है वो कप्पू, अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। क्या हो गया? मेरे मंगनी होने वाला था साहब। हाँ दे तेरा भी काम करता। मैं बताती हूँ सर, मेरा मंगनी होने वाला था। अर्चना जी रात को 2 बजे दारू पी के वो घर पे आया और मेरे को बोलता है ये दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही है तू? एक नंबर का धोखेबाज नहीं है सर? बिल्कुल धोखेबाज है। एक तो मैं अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, अगर उसने भी पी होती लफड़ा नहीं हो जाता घर के अंदर। अच्छा मैं ना अभी हम लोग टेस्ट करते छोटा सा, मैं आपको लाइन दूंगी उस पर आप शायरी बनाना, ठीक है? इनको सर इधर आने देंगे क्या? हाँ अभी देखेंगे सब शायरी करते ना सामने सामने। हाँ लाइन दे, ये क्या कर रही है? लाइन दे रही हूँ। Oh my God! अच्छा ठीक है, मैं आप लोग इतना शेरो शायरी करते, मैं आप लोग के लिए शेर लाई हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये पत्ते, ये प्रोसेस रहता है इसका, पहले पत्ते आए फिर बकरी आएगी फिर शेर आएगा। अच्छा शेर बकरी को खाता है, हाँ। बकरी पत्ते को खाती है और पत्ता घर खा जाता है। पत्ते घर कैसे खा सकते? वो वाला पत्ता। सपना तू करने क्या आई है यार यहाँ पे? क्या करने है? मैं मेरा ना मसाज पार्लर है सर, मैं नाला सोपारा में रहती हूँ। मैं एक्चुअली आप लोगों को बुक करने के लिए आई थी। आप मेरे को नाला सोपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। क्यों? सर हमारे उधर डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो आपका शो कराना चाहती है कि आपके शो में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, फिर आप शायरी बोलेंगे, लोग ऐसे ताली बजाते तो क्या डेंगू का मच्छर मर जाएगा ना? मच्छरों को मारने के लिए मुशायरा करा रही तू, वो छिड़काव कराओ ना दवाई का। नहीं नहीं हमारे जो मन में आएगा हम वो करेंगे, तेरा क्यों तो नहीं हम। खैर लेकिन मेरा पार्लर है, उधर आना सर आप, हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आप लोग आएंगे आपके लिए। हाँ। एक महफिल मसाज है मेरे पास। उसमें क्या होता है? महफिल मसाज उसमें क्या है कि हम ऐसा आदमी ढूंढते हैं जिसकी बीवी का नाम शमा हो। अच्छा। फिर वो आदमी को खोली में लेके जाते हैं और तेल लगाने से पहले उसकी बीवी को अंदर बुलाते हैं, फिर उसके सामने हम उसके पति को तेल लगाते हैं। तू सोच रहा होगा इससे क्या होता है? क्या होता है? इससे शमा जलती है। कहाँ जोड़ा यार, कमाल कमाल कमाल। शमा जलती है और महफिलें ऐसी हो जाती है जैसे हमारा शो है। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। कपिल भाई एक शेर आपके लिए याद आ रहा है। जी सर। आप इतना वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, इतना टैलेंट खुदा ने आपको दिया। मेरा एक शेर है कि मुझको मेरे वजूद की हद तक ना जानी है, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। हाय हाय वाह वाह वाह, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ही कमाल। हमारी अधूरी कहानी के गाने बड़े कमाल के थे, सईद साहब ने उनके गाने लिखे हैं। सईद साहब, जब उन्होंने आपको अप्रोच किया कि आपको हमारी अधूरी कहानी के लिए लिखना है, तो आपने उनसे कहा नहीं पहले कहानी पूरी कर लो फिर सिचुएशन के हिसाब से लिखना? वो क्या है, मेरा एक शेर है कि कोई किस्सा न कहानी न कोई बात हुई, दरमिया उसके मेरे यूं भी मुलाकात हुई। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, क्या कहना है। बस वैसे ही उन्होंने कहा, एक्चुअली भट्ट साहब की बड़ी इनायत रही मुझ पर, वही मुझे जोधपुर से फिल्मों तक लाए, और मेरी पहली फिल्म थी जिस्म जी, जिसका बहुत मकबूल हुआ गाना आवारापन बन, बड़ा ही खूबसूरत गाना सर। तो वो एक्चुअली वो मेरी जिंदगी का अपना एक हिस्सा है। अच्छा जी। क्या था, मैं बिल्कुल यहाँ 6-7 साल स्ट्रगल करके नाकाम होके चला गया था। अच्छा जी। और वहाँ जाके मैं LIC एजेंट बन गया। अच्छा, हमने सुनी है ये बात कि आप इंश्योरेंस करते थे। इंश्योरेंस 10 साल तक किया। सबकी करते थे, उन्हीं की करते थे जो आपके शेर सुनते थे, जो मेरे आसपास के लोग थे। तो होता क्या था, कपिल के 2 बहनें थी, वो नौकरी करती थी। अच्छा जी। मेरी वालदा पॉलिटिक्स में थी, है ना, तो मैं रोज भाई अपने काम से लगे हुए, सबसे निकम्मा और बेकार आदमी घर में मैं था। अच्छा जी। आदतन वही 10:30-11 बजे शेव किया, नहाए धोए, कपड़े पहन लिए, फिर सोचता था जाऊँ कहाँ, सबके पास काम है और मैं बैठा हूँ, तो मैं सड़कों पर निकल जाता था, लाइब्रेरी में बैठ जाता, स्टेशन पे बैठ के लोगों को देखता रहता था। तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है कि आवारापन, बंजारापन एक खला है सीने में, क्या हरदम हर पल बेचैनी है, कौन भला है सीने। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। और ये फिल्म इंडस्ट्री का जो इश्क था कामयाब होने का, उसका शेर है कि जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में। आवारापन, बंजारा, क्या बात है सर। तो शायर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बात वो अपनी कहता है, मगर उसमें जमाना शामिल होता है। क्या बात है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.